राजस्थान से आ रही है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि राजस्थान में ब्लैक फंगस का मुफ्त में इलाज होगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया है। इस योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए केंद्र से 50,000 इंजेक्शन मांगे हैं, जिनमें 1600 इंजेक्शन आज राजस्थान को मिलेंगे। तो भवानी सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, ये बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री गहलोत ने और इससे पेशेंट्स को काफी राहत मिलेगी। देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि ब्लैक फंगस का इलाज कराना आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इसमें इंजेक्शन लगते हैं काफी बड़ी तादाद में लगते हैं और काफी लेंदी इसका इलाज होता है। उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि सरकार फ्री इलाज कराएगी। तो राजस्थान सरकार के अंदर पहले से ही एक हेल्थ स्कीम चल रही है, जिसमें 5 लाख तक का आम लोगों के लिए फ्री इंश्योरेंस है, उसी के अंदर शामिल कर लिया। और अब प्राइवेट अस्पतालों में भी जो लोग इलाज कराएंगे, सरकारी में तो फ्री हो गई, वहां पर भी सरकार के इस इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे, जिससे मरीजों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जी ठीक है भवानी, तो परेशानी नहीं होगी। और भवानी, जैसा कि आपने बताया कि इसमें जो है हर किसी के लिए आसान नहीं है, इसका इलाज करवाना काफी महंगा होता है। जो मांग की गई है राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र से क्या क्या मांगे की गई है और क्या तैयारी राज्य सरकार ने की है? देखिए, आप सबसे बड़ी जो इसके अंदर जरूरत है वो इंजेक्शन की है, वो क्योंकि सरकार के पास नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास में ले रखा है और क्योंकि उसका प्रोडक्शन काफी कम है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिए आसान नहीं है। 50,000 इंजेक्शन की अभी डिमांड की है राजस्थान सरकार ने कि वो उपलब्ध कराया जाए, जिसमें से 1600 इंजेक्शन है वो आज के लिए कहा गया कि आज राजस्थान को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इसकी कीमत है, 1000 इंजेक्शन की कीमत 8,000 रुपए होती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा है, तो काफी मुश्किल होता है। इसलिए जैसे जैसे इंजेक्शन मिलेंगे इलाज होता जाएगा। और जयपुर के अंदर, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया, इसी के लिए डेडिकेटेड किया गया ब्लैक फंगस को, जहां पर तकरीबन 60 मरीज इस वक्त भर्ती है। और जयपुर के कुछ निजी अस्पताल हैं ENT के, जहां पर उपचार चल रहा है। राजस्थान ही नहीं, कई स्टेट से भी मरीज यहाँ पर आए हैं जिनका इलाज हो रहा है। जी ठीक है भवानी। वहीं लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चुनौती बढ़ा दी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि पिछले 24 घंटे में लखनऊ में ब्लैक फंगस के 55 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले एक दिन में ब्लैक फंगस के 6 मरीजों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट